बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके लगातार सुधार होता चला जाएगा। छोटी यात्रा के योग भी आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति होती हुई भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग आपके साथ बने हुए हैं। इस समय अपने परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध मधुर होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा, मौसम बदल रहा है, आप बीमार हो सकते हैं। करियर में थोड़ी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं, इसका भी ध्यान रखिए। एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ा देंगे तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, आपको करियर में सफलता मिलती दिख रही है, यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तुला राशि, इस समय नए काम का अवसर आपको प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी दिखाई दे रही है। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान बनाए रखें, जीवन साथी के साथ वे वजह के विवादों से बचें, भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित कर दे तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। धनु राशि, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, किसी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त होंगी आपकी और स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। दौड़ भाग आपकी थोड़ी बढ़ी रहेगी, ऐसा लग रहा है। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। कुंभ राशि, काफी दौड़ भाग और काफी व्यस्तता आपकी दिख रही है, मानसिक चिंताएं आपकी समय दूर होंगी, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
75% यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में किसी भी तरह के विवादों से बचना होगा आपको, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि किसी मुश्किल में ना फंसें तो भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है।